बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास बायो के 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग देखेंगे। चैप्टर 1 है, यहाँ से आपने एक ही लॉन्ग करना है, वो है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। उसके अलावा ये आप डेफिनेशंस लाजमी करें, बायो की डेफिनेशन, उसकी जो ब्रांचेज हैं ये आप लाजमी करें, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ से ये आपने एक ही लॉन्ग करना है, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यहाँ से लॉन्ग नहीं आएगा। चैप्टर 3, इस दफ़ा 90% चांसेस हैं कि चैप्टर 3 से लॉन्ग आएगा। यहाँ से आपको दो लॉन्ग बताऊँगा, एक है 5 किंगडम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 90% चांसेस हैं कि अगर यहाँ से लॉन्ग आया तो ये आएगा। तो ये 5 जो किंगडम्स हैं, कोई वो पेपर में 2 पूछ सकता है, कोई भी 2 पूछ सकता है, लेकिन आपने 5ों करने हैं। हो सकता है किंगडम मोनीरा के साथ किंगडम प्रोटिस्टा पूछ ले, या किंगडम मोनीरा के साथ किंगडम प्लांटी पूछ ले, ठीक है। तो ये आपने 5ों करने हैं। और उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये डेफिनेशन के साथ इसके रूल्स पूछ सकते हैं 3। उसके बाद है चैप्टर 4, चैप्टर 4 से आपने 3 लॉन्ग करने हैं, लास्ट में करने हैं तीनों। एक है न्यूक्लियस, इस पर नोट पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग है, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड्स में क्या डिफरेंस है, ये आपने दोनों करने, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड्स में क्या डिफरेंस है। एक पीछे बताया न्यूक्लियस पे नोट, उसके बाद इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 2। और तीसरा आपने लॉन्ग करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक, ये आपने टेबल ये करना है यहाँ से, ठीक है, ये आपने लिख देना है, इन दोनों में डिफरेंस पूछे। ये 3 लॉन्ग हो चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 से आपने 2 करने हैं, वो दोनों आपने कौन से करने हैं, एक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और एक आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस, ठीक है। या तो पेपर में माइटोसिस पूछेगा या सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस पूछेगा, ये दोनों एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लॉन्ग एक्सरसाइज में मौजूद होंगे। ये देखें, माइटोसिस और मियासिस दोनों मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर जो 6 है, यहाँ से इस दफ़ा लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आपने करना। उसके बाद है चैप्टर 7, चैप्टर 7 से आपने 2 लॉन्ग करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक है लाइट रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। इसके ये 4 पॉइंट लिखने हैं और डार्क रिएक्शन के 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने लिखने हैं। एक ये लॉन्ग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ तक आपने लिखना है, यहाँ तक आपने लिखना है, फिर आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 8 से आपने लॉन्ग करना है, ये वाला रोल ऑफ लीवर, ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, अगर पूछे रोल ऑफ लीवर, ये 8 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 से आपने लॉन्ग करना है डिफरेंस बिटवीन रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये टोटल आपको मैंने 12 लॉन्ग बताए हैं, आपको जो स्टार्ट वाले जो यूनिट्स हैं ये आपको लास्ट में आने चाहिए, चैप्टर 1 आना चाहिए, चैप्टर 1 का एक लॉन्ग बताया, उसके बाद चैप्टर 3, चैप्टर 3, 4, 5 और 7, ये 4 चैप्टर आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, चैप्टर 3, 4, 5
और 7, ये आपको चार चैप्टर अच्छी तरह से आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।